काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खुश नहीं हैं नीट के रिजल्ट से, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है अगर 12 लाख की आपकी रैंक आ रही है लगभग लगभग, तो क्या आप एक सीट एक्सपेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज की? यहाँ पे मैं कैटेगरी लिख देता हूँ ओबीसी। ऑब्वियसली बात है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं है पॉसिबल, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल है राजस्थान स्टेट में थ्रू एनआरआई सीट्स। हाँ, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट्स तो होती हैं, वहाँ पे पेड सीट्स भी होती हैं और फिर वहाँ पे एनआरआई सीट्स भी होती हैं। उससे होता ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाते हैं स्पेशली राजस्थान स्टेट में, मतलब ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके नंबर कम आए हैं या फिर रैंक बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई है, मतलब रैंक बहुत ही ज़्यादा जो हाई हो जाती है, उन स्टूडेंट्स के पास भी ऑप्शंस हैं कि वो एनआरआई कोटा के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि अगर मैं इतनी ज़्यादा फीस पे करने वाला हूँ तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की ज़रूरत क्या, मैं तो प्राइवेट कॉलेज में चला जाऊंगा। हाँ, तो ये एक जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की तरफ से, ये थोड़ा सा वैलिड पॉइंट है कि अगर आप गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने का सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि हमें फ़ीस कम लगती है। अब अगर मुझे फ़ीस हाई देनी है तो इसके लिए मैं प्राइवेट कॉलेज चला जाता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जब आप गवर्नमेंट कॉलेज जाते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज का एक जो नेटवर्क ऑफ डॉक्टर्स होता है वो आपको प्राइवेट कॉलेज में स्लाइटली कम मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यूजुअली मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर बनते हैं वो अपनी फील्ड में ग्रो अच्छा कर जाते हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि एक जो नेटवर्क होता है आपके डॉक्टर्स का, क्योंकि देखिए आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वही स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिनके 710 नंबर आए, मैं राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूँ, 710 नंबर आए, किसी के 715 नंबर आए हैं, तो ये वो जुझारू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत करी है 2 साल 3 साल और अब वो उस कॉलेज को ले रहे हैं थ्रू गवर्नमेंट कोटा, जिसके लिए कट ऑफ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई जाता है, जिनकी रैंक्स एक्सट्रीमली हाई जाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, लगभग लगभग रैंक जाती है 17,000 जनरल कैटेगरी की। तो आप इन स्टूडेंट्स के साथ जब बैठ के पढ़ोगे तो आपका नेटवर्क ग्रो होगा और इस नेटवर्क का यूज़ करके जिस करियर को आपको अच्छा बनाना है डॉक्टर का वो अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि अगर आपके पास फीस पेइंग कैपेसिटी है तो सबसे पहले राजस्थान के एनआरआई सीट्स को एक्सप्लोर करो, सबसे पहले राजस्थान के एनआरआई सीट्स को एक्सप्लोर करो और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इतनी फीस नहीं है पे करने लायक, तो फिर आप दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो सारी की सारी प्रोसेस ब्लैक एंड वाइट होती है और इसमें आपको कोई भी झोल नहीं होता या फिर कोई भी ये नहीं करता फ़ोन करके कि आप हमें इतने रुपए दे दीजिए और हम आपका एडमिशन करा देंगे, तो सारी की सारी प्रोसेस ब्लैक एंड वाइट होती है, तो क्यों ना हम इस चीज़ का एडवांटेज उठाएं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूं कि दूसरी स्टेट्स की काउंसलिंग या फिर कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए हो तो हमारे बहुत सारे टूल्स रेडी हैं, स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स, जिसका यूज़ करके आप अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस को बेटर कर सकते हो और एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। तो जाइए उनको यूज़ करिए और समझिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि 2023 में आउट ऑफ 381 एनआरआई सीट्स 69 वर अलॉटेड टू एनआरआई कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था, रिमेनिंग 312 सीट्स वर कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा, मतलब पेमेंट सीट। हुआ ये कि वो सीट्स अलॉट ही नहीं हुई तो वो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स में चली गई, मतलब जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड थे उन्होंने नहीं लिया वहां पे और वो कन्वर्ट हो गई पेमेंट सीट में, जिसकी फीस और कम है। मैं गवर्नमेंट सीट्स की फीस की बात करूं तो लगभग 60,000 होती है, पेमेंट सीट की बात करूं तो लगभग लगभग 8 लाख होती है, और एनआरआई कोटा की फीस तो हालांकि मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप समझ सकते हो कि आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ऐसा एक स्टेट है जहां पे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस ले सकते हो। 381 सीट्स हैं 2023 में, 2022 की बात करूं तो 303 सीट्स थी, 95 वर कन्वर्टेड टू एनआरआई कोटा, रिमेनिंग 208 वर कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब वो सीट्स फिल ही नहीं हुई, वो सीट्स फिल ही नहीं हुई,
तो आपके पास तो ये ऑप्शंस आ ही जाते हैं, आपके पास तो ये ऑप्शंस आ ही जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप NRI सीट का एडवांटेज लेके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी जा सकते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी जा सकते हो। चलिए अब अगर मैं फीस का डिस्कशन करूं तो ये है 2023 की फीस। अगेन मैं आपको बोलूंगा, फीस हमेशा ऑफिशियल सोर्स से आप वेरीफाई करें, क्यों? क्योंकि वो चेंज होती रहती है। और मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ हर साल चेंज होगी तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर का एनालिसिस तो आप समझ सकते हो लगभग 34,000 US dollar थी फीस, जो कि इंडियन नेशनल रुपीज में आ रही है लगभग 28,47,000। ये है फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर की फीस, और फिर सात सेमेस्टर की फीस रहती है लगभग $17,000, जो कि आती है लगभग 14 लाख रुपए, जो कि आती है लगभग 14 लाख रुपए। तो आपको अगर मैं एनालिसिस करके बताऊं तो 28+14 × आप जो भी ड्यूरेशन बचेगा तो उतना फीस आपको पे करना पड़ेगा। ये है NRI कोटा की फीस, ये है NRI कोटा की फीस, अगेन राजस्थान स्टेट में। अब अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या गया था, तो 2022 का एनालिसिस है हमारे पास, ये मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस का बता रहा हूँ, 2022 का है लेफ्ट हैंड साइड पे 2022, 2023 में लेफ्ट हैंड साइड का। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि गवर्नमेंट कॉलेज, ये देखिए 2023 में 12,08,959 पे OBC कैटेगरी में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो अजमेर का गवर्नमेंट कॉलेज था। 2022 की बात कर लेते हैं, 5,92,000, 6,00,000, 7,00,000, 8,00,000, 8,71,000, 872, 876, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं राजस्थान स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। और कैटेगरी जनरल बी का मतलब है जनरल कैटेगरी बॉय को ये सीट मिली है, जनरल कैटेगरी के बॉय को ये सीट मिली है। 2023 की अगर मैं बात करूं तो 8,17,000, 5,59,000, 989, 804, 985, 794 और 871। अब काफ़ी सारे पेरेंट्स इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए होंगे, वो ये बोल रहे होंगे कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्यों नहीं रहती, अगर ऐसा है तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्यों नहीं रहती। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जो रैंडम कॉल्स आते हैं उनको पिक ना करें, एक रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ो, समझो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं काफ़ी सारे पेरेंट्स से बात करता हूं, वो कहते हैं हमें लो फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बता दीजिए, लो फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बता दीजिए, लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बता दीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो केरला की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई जिसकी फीस लगभग 40 लाख रुपए है, 40 से 45 लाख रुपए आपका लगता है टोटल एजुकेशन का। लेकिन हाँ, अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स NRI कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे पास राजस्थान में। लेकिन हाँ, प्रोसेस हमें सही तरीके से करनी पड़ेगी, प्रोसेस अगर हमने गलत करी तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि अगर NRI कोटा में भी एडमिशन लेना है थ्रू राजस्थान के स्टेट्स में, फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो आप आइए इस QR कोड को स्कैन करिए और समझिए हमारी टीम से कि कैसे हम आपको गाइड कर सकते हैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलाने में थ्रू NRI कोटा, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। लेकिन हाँ, अगर आपको दूसरे स्टेट का गाइडेंस चाहिए, प्राइवेट कॉलेज का गाइडेंस चाहिए या फिर अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, तो वो सारा का सारा गाइडेंस आपको इस QR कोड के थ्रू मिल जाएगा या फिर हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.